स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th नॉन कॉम्पिटिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.3। दिस इज अवर सेकंड मीटिंग। टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन। यस स्टूडेंट्स हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन। कितने क्वेश्चन हमने कवर किए थे फर्स्ट मीटिंग में, कैन यू टेल? यस वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी रफ बुक को ओपन करें और बताएं हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव कवर्ड। हमने कितने क्वेश्चन कवर किए थे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस वी हैव कवर्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। फोकस ऑन द बोर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें गिवन है क्वाड्रेंट, फोकस। ये हमारा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के द्वारा बनाया है एक राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना दिया और उसके बाद हमने बना दिया एक सेमी सर्कल। ये कंडीशन है और हमको बताना है एरिया, दिस द शेडेड एरिया, हमको ये वाला एरिया बताना है। फोकस क्या गिवन है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, this point is M and this point is N. focus हमें क्या given है? हमें given है quadrant। उस quadrant का जो हमें given है radius, radius हमारा 14 centimeter। हमको बताना है area of shaded region। क्या सभी को figure clear है? figure this radius is 14 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। यस क्या सही बच्चों को फिगर क्लियर है? फिगर हाँ जी। कोई बच्चा ट्राई करेगा कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू? यस कोई बच्चा बता सकता है हाउ वी कैन ट्राई? ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला मेथड, वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेकंड, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। थर्ड पॉइंट, वी विल डू फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। ये करने से क्या मिलेगा? वी विल गेट दिस एरिया। हम ये बताएंगे मिल जाएगा। अगर मैं क्वाड्रेंट में से माइनस कर दूं क्या ट्राइंगल का एरिया, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। नाउ फोकस, हमने क्या किया? जो हमारे राइट ट्राइंगल था उसका हमने क्या मान लिया? दिस इज द डायमीटर। और क्या बना दिया? एक सेमी सर्कल। तो मैं क्या करूं, सेमी सर्कल में से अगर मैं इस चीज को माइनस कर दूं, आई विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो क्या सभी को फ्लो चार्ट क्लियर है? फ्लो चार्ट क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस बीच वाला बच जाएगा। आफ्टर दैट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में से थर्ड पॉइंट को माइनस। वेरी गुड। अपने अपनी रफ कॉपी में स्टार्ट करो, अपने अपनी रफ कॉपी में क्वाड्रेंट का एरिया 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे सोल्व करें, बताएं कितना आएगा। ऑल स्टूडेंट सोल्व। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सोल्व करें। बी फर्स्ट। वेरी गुड। बी फर्स्ट। वेरी गुड। यस वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सिर्फ दो बच्चों की रिप्लाई आए, बाकी सो रहे हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता? तुम्हारे घर पर रोज फोन करना पड़ेगा क्या कि तुम्हारा बेटा सिर्फ क्लास में आता आता है, बोलता नहीं है? यस यू आर राइट। सोल्व करोगे, सोल्व करने का आपको मिलेगा 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका
फर्स्ट आंसर है. नाउ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस की वैल्यू 14, हाइट की वैल्यू 14, 2 × 1 = 2, 7 × 14 = 98 cm². क्लियर है. नाउ फर्स्ट आंसर माइनस सेकंड आंसर 154 माइनस का 98, यू गेट 56. बताओ सभी यहां तक क्लियर है? यहां तक हाँ जी, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप दोनों को माइनस किया, हमको मिला 56. नाउ फोकस, ये जो 56 आया कौन सा आया है? दिस इज द एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे डायमीटर. क्लियर है? इसको क्या मानेंगे? डायमीटर. और वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो सबसे पहले बात हमें ये पूछना पड़ेगा भाई डायमीटर कितना है. फोकस, ये कितना है 14, ये कितना है 14. परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज एच का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पी कितना है 14, कितना हो जाएगा 196. ये कितना है 14, कितना हो जाएगा 196. क्या लिख सकते हो 2 × 196. जब स्क्वायर हटता है तो क्या जाता है स्क्वायर रूट. ये इसका स्क्वायर है 14 का, ये स्क्वायर नहीं है तो रूट में रहेगा. इट मींस जो हमारी क्या थी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 14√2 cm. क्या सभी को ये क्लियर? इसकी लेंथ कितनी है 14√2. बताओ सभी चैट बॉक्स में क्या सभी को क्लियर है डायमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. डायमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ फोकस, डायमीटर है 14√2, तो रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा उसका आधा, 14 का आधा कितना होता है 7√2 cm. ये मेरा क्या आ गया रेडियस. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 πr² 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7√2, कितनी बार 2 बार. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, 7 से 7 कट, 2 से काट दिया क्या 11, कितना बचेगा एक तो 11 एक 7 √2 √2 क्या हो गया 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या सभी को सेमी सर्कल का एरिया क्लियर? सभी को एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सभी बच्चे रिप्लाई कर लो, पहले बता रहा हूं वरना मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा. समझा दिया क्या बच्चे को? अपना रिप्लाई कर लो एक एक बच्चा, एक एक बच्चा. वेरी गुड, कितना एरिया आ गया 154. अब क्या करेंगे, बताया था सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे ये वाला एरिया, ये एरिया कितना आया था 56. तो क्या करेंगे 154 माइनस का 56, फाइनल आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. बताओ सभी को क्वेश्चन क्लियर? सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में लिखो फ्लो चार्ट. इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेंट का एरिया, सेकंड स्टेप राइट ट्रायंगल का एरिया, थर्ड स्टेप दोनों पॉइंट को माइनस करोगे वहां से मिलेगा आपको अपना एरिया. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या किया था हमने, निकाला था डायमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ
क्या किया था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट, जो फिफ्थ का आंसर आया फिफ्थ स्टेप का और जो आंसर आया थर्ड स्टेप का, दोनों को माइनस यहां से मिला था फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन का क्या है, फ्लो चार्ट कॉपी में नोट करो। सारे बच्चे अपने अपने कॉपी में नोट करें। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में नोट करें फ्लो चार्ट। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी कर लिया सभी ने, डन। हाँ जी सभी बच्चों ने नोट कर लिया सभी ने, वेरी गुड। नाउ फोकस, वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बना रखा है डिजाइन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यूज कर रखा है क्वाड्रेंट का कांसेप्ट, दोबारा से क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल 90 का और हमें गिवन है रेडियस 8, बस अभी कर रहे हैं। उसके बाद करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आपकी बुक के एग्जांपल्स। एग्जांपल में गलत हुआ कल क्योंकि मेरे आर्टिस्ट सॉरी मेरे एग्जाम में मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं क्या रखी है, शायद कोई बच्चा लेगा क्वेश्चन वाला, वो करेंगे कल एग्जाम्पल्स करूंगा कल। वेरी गुड, फोकस ऑन द बोर्ड, स्टार्ट करें, रेडी, यस स्टार्ट करें। क्वेश्चन वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, हमको गिवन है फिगर, हमारे फिगर में एक बना रखा है डिजाइन, दिस इज द स्क्वायर, द स्क्वायर इज व्हाट, ए बी सी डी, द साइड्स आर व्हाट, 8 सेंटीमीटर। एक डिजाइन तो ऐसे और एक डिजाइन ऐसे है, हमको बताना है हमारे डिजाइन का एरिया। कोई बच्चा बता सकता है कैसे बताएंगे हमारे डिजाइन का एरिया, एरिया मतलब डिजाइन, यस। क्या कोई बच्चा बता सकता है एरिया और डिजाइन, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने दिमाग में यहां पे बना दो डायगनल, ये डायगनल है, ध्यान दो। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, फोकस, वी विल मेक ओनली हाफ पार्ट, हम बनाएंगे सिर्फ आधा हिस्सा, फोकस। ये हमारी डायगनल है और ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। क्या आपको बच्चा बता सकता है ये वाला एरिया कैसे निकाले, पता नहीं हमने ये कितना निकाल दिया, मैनी क्वेश्चन भी डन, मैनी क्वेश्चन। क्या कोई बताएगा हम ये वाले एरिया कैसे निकाले, शेडेड एरिया, शेडेड, यस इट इज वेरी इजी। हमारा एंगल कितने का है, 90, क्या बन गया ये क्वाड्रेंट, दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट क्वाड्रेंट। मैं क्या करूं, क्वाड्रेंट में से राइट ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूं, माइनस वी विल गेट दिस एरिया, जितना एरिया ये होगा उतना और उतना एरिया इसके नीचे वाला, मान लो अगर ये 10 है ये क्या होगा, 10 10 और 10 कितना हो गया 20। कैसे हो, क्लियर कैसे करेंगे। हाँ जी क्वाड्रेंट के एरिया में से राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस, हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ हाफ डिजाइन, आधा ही मिल जाएगा आधा, फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, वहां से मिल जाएगा पूरा, ठीक है। वेरी गुड, नाउ स्टार्ट द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन स्टार्ट करें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, सभी बच्चे अपनी कॉपी में 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 बाई 7, बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, बोलो 22 2 और 8,
मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा? वेरी गुड, डोंट यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का प्रयोग ना करें, वेरी गुड वेरी गुड, यस यू आर राइट, मल्टीप्लाई करके मिलेगा 3 5 2, वेरी गुड, डिवाइड बाय 7 7 से डिवाइड करें, वेरी गुड, डिवाइड बाय 7, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 7 से डिवाइड करें, वेरी गुड, डोंट यूज कैलकुलेटर, डोंट यूज कैलकुलेटर, थोड़ा सा ध्यान से करो, डिवीजन नहीं आता तुमको, एलकेजी में जाके बैठ जाओ, तुमको डिवीजन नहीं आता, एलकेजी में जाके बैठ जाओ, जाओ, वेरी गुड, आंसर इज अप्रोक्स 50.28, चेक करो, क्या करना ठीक है, किसी बच्चे ने बताया 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, नाउ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 1 2 4, आई गोट 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, नाउ डू द सब्ट्रैक्शन, सर बच्चे सब्ट्रैक्ट करें, 50.28 माइनस करें 32, बताएं कितना मिलेगा, वेरी गुड, सभी बच्चे सब्ट्रैक्शन करें, डू सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड, कितना मिलेगा, वेरी गुड वेरी गुड, यस आपका आंसर आया 18.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ हाफ पार्ट मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा, 18 2 36, 28 2 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करो सभी का ठीक है, हाँ जी 36.56, चेक करें क्या सभी का आंसर ठीक है, सभी का आंसर, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी आपको हेल्प करेंगे आपके फ्राइडे टेस्ट में, मैंने आपको लिखवाया था कंसेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं क्योंकि उसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सर बच्चे लिखें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंसेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्टार्ट करते हैं, फोकस, स्टार्ट करें रेडी, हाँ जी स्टार्ट करें रेडी, वेरी गुड वेरी गुड, चैट बॉक्स में वाई फोर यस, चैट बॉक्स में वाई फोर यस, वेरी गुड वेरी गुड, ओके नाउ फोकस ऑन द बोर्ड, मान लो आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज ए बी और सी, आपको गिवन है इसका एरिया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया हमें बताओ हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो हम कैसे बताएंगे, क्या सभी को फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या सभी को इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, एरिया का फॉर्मूला, कोई बात नहीं फोन आ गया था बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फोन आ गया था बीच में, वेरी गुड वेरी गुड, अरे आवाज नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, बीच में फोन आ गया था एक दो बार, फोन आ रहा है किसी का, कोई बात नहीं, हाँ जी याद है फॉर्मूला, वेरी गुड, फॉर्मूले को अप्लाई करो कॉपी पे, दिखाओ लिख के फॉर्मूला, वेरी गुड, अपने फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे नोट करो, वेरी गुड, एरिया की वैल्यू पुट करो 16√3, वेरी गुड, सोल्व करो बताओ कितना आएगा, वेरी गुड,
यस वेरी गुड वेरी गुड, सोल्व करो कितना आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो बेटा ट्राई करो, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर पुट करो, वहां से हमको एरिया गिवन है, बिल्कुल आसान है, एरिया की वैल्यू रूट थ्री बाय फोर साइड का स्क्वायर, एरिया गिवन है 16 रूट थ्री, वेरिएबल एक तरफ, हमारे नंबर एक तरफ, ये क्या हो गया कट, ए स्क्वायर की वैल्यू 64, ए की वैल्यू 8, इसका मतलब साइड कितनी आ गई 8, टेंडर क्या हो जाएगा 8 + 8 + 8 24 सेंटीमीटर। बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर, सभी को क्लियर, हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको गिवन है एरिया तो साइड और पेरीमीटर कैसे निकालोगे, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा कनेक्शन वीक हो जाता है बीच में, डोंट वरी, हाँ जी क्लियर। नाउ फोकस, अगर मैं आपको दे दूं पेरीमीटर, मैंने आपको दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर, तो मुझे आपको बताना है उसका एरिया, आप मुझे बताओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, हमें दिया गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है 60, वेरी गुड, सोचो ट्राई करो कैसे करोगे, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, सोचो कैसे करोगे, वेरी गुड, यस यस बिल्कुल आसान है, इट इज वेरी इजी, अगर पेरीमीटर 60 है तो साइड कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर के बाय में 3 कितना हो गया 60 / 3 कितना आ गया 20। नाउ एरिया रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, 4 × 4 = 5 आंसर इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को, हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। नाउ राइट कंसेप्ट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन हम रिवीजन कर रहे हैं, हमारी रिवीजन हो रही है, पॉइंट नंबर वन इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया, पॉइंट नंबर टू लिखो मिनट हैंड आवर हैंड, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे पॉइंट नंबर टू, मिनट एंड एंड आवर एंड, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, वेरी गुड वेरी गुड, लिख लिया पॉइंट नंबर टू, मिनट हैंड एंड आवर एंड, लिख लिया, स्टार्ट करें कंसेप्ट, हाँ जी वेरी गुड, ध्यान दो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो क्वेश्चन आया हुआ है मिनट हैंड का, आपको बोला गया अभी बजे हुए थे 11, अगर टाइम हो चुका है 11:45, तो आपको ये बताना है इस दौरान मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर, अगर बजे हुए थे 11:45, तो मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, तो क्या करेंगे, इसमें आपको दिया रहेगा मिनट हैंड की लेंथ, वो काम करेगी रेडियस का, मान लो दैट इज 56 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ 45 मिनट्स में कितना डिग्री कवर करेगा, बोलो, बताया था 12.2 में बताया था, बताओ 45 मिनट्स में
कितना एंगल कवर करेगा? मिनट हैंड, वेरी गुड। बच्चों के आंसर आ रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना। क्लास में बच्चे बैठे हैं 60, रिप्लाई आ रहा है जरा 4 बच्चों का, बाकियों के घर पे फोन करके बेटा देखो तुम्हारा क्या करता हूं मैं। रिप्लाई आ रहा है सिर्फ 4 बच्चों का, बाकी बच्चे बैठे हैं क्लास में फालतू, कोई लेना देना नहीं है, ना मल्टीप्लाई करते ना डिवाइड करते, कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, मैं बताऊंगा, चिंता ना करो। एक एक बच्चे घर पे फोन करूंगा, एक एक बच्चे के, एक एक बच्चे घर पे फोन करूंगा, चिंता नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, सिर्फ रिप्लाई आ रहा है 4 बच्चों का। कौन कौन? एक गुड़िया है सानू, एक गुड़िया है हर्षिता, एक गुड़िया है गरिमा और एक गुड़िया है वर्षा। इनके अलावा कोई मैसेज नहीं किसी का, कोई 4 के अलावा जितने बच्चे बच गए बेटा सभी घर में फोन करूंगा। अपने पेरेंट्स को बता देना क्या कर रहे थे क्लास के अंदर। इन 4 के अलावा किसी बच्चे का मैसेज नहीं आ रहा, किसी बच्चे का। कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूं, डोंट वरी बेटा, जस्ट वेट, तुम्हारी इतनी मत, तुम्हें ऐसा बढ़ो, रुक जाओ मैं बताऊंगा। मैंने आपको बताया था जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या होती है, 60 मिनट्स के अंदर अपना चक्कर पूरा करती है, मतलब 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कवर करेगी? 360 बाय 60 कितना आ गया? 6 डिग्री। कितनी बात कर रहे हैं? 45 मिनट्स, 45 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया? 270 डिग्री। सिर्फ 5 या 6 बच्चों का रिप्लाई आया था, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया, किसी का भी। कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स को बताना। मुझे क्या बताओगे? अपने पेरेंट्स को बताना हम क्लास के दौरान कहाँ बैठे थे, हम क्या कर रहे थे, हमें ना तो गुणा आती ना हमको भाग आता, ना तो प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते। शर्मारी थोड़ी बहुत है, थोड़ा शर्मारी थोड़ी बहुत। वेरी गुड, नाउ फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। कोई बच्चा मल्टीप्लाई नहीं बताएगा, मैं पूछूंगा वो बताएगा। कोई बच्चा मल्टीप्लाई ना बताए, जिसका मैं नाम लूं वही बताए, रुक जाओ। कुणाल और आर्यन सांगवान दो बच्चे हैं वीटू में, कुणाल और आर्यन सांगवान, अगर 2 मिनट में मल्टीप्लाई नहीं आई ना तुम्हारे घर पे फोन। एक तो है कुणाल, एक है आर्यन वीटू से, वीटू रुक जाओ एक दो बता रहा हूं, एक दो कुणाल हो गया, आर्यन सांगवान हो गया, एक बच्चा है अश्मित दहिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बताता हूं तुमको। एक बच्चा है ऋषु गोयल, एक बच्चा है जेटू में विवेक, मतलब कोई रिप्लाई नहीं है। जेटू में प्रिंस का ध्यान, कोई रिप्लाई नहीं अभी तक। जेटू में केशव, अभी केशव बोलने में तो बड़ा तेज है तू, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, मल्टीप्लाई तो सोचता नहीं है केशव जेटू। हाँ भाई प्रशांत यादव वीटू, हाँ गुणा भाग में मैं सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगे हाथ पकड़ के सिखाऊं। साहिल कुमार जेटू, शिवम सांगवान वीटू। थोड़ी बहुत शर्म आ रही नहीं आ रही? कोई भी मैसेज नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है, सिंगल मैसेज क्यों भाई? V1 से खुशी, V1 से हर्ष बालोदा, V3 से अंशुल गर्ग, V1 से हिमाचल। हाँ भाई कौन करेगा मल्टीप्लाई? मैं करूंगा। कितनी आई मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लाई कितनी आई? मल्टीप्लाई फाइनल आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। किसी का अलग आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। यस यू आर राइट, आंसर इज 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी को क्लियर है? सभी को मिनट हैंड, सभी को क्लियर
मिनट हैंड। हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर, मिनट हैंड, वेरी गुड। नाउ फोकस, नेक्स्ट कंसेप्ट इज आवर एंड। कोई बच्चा बताएगा घंटे वाली सुई कितने घंटे में अपना चक्कर को पूरा करती है? कौन बताएगा घंटे वाली सुई कितने घंटे में अपने चक्कर को पूरा करती है? यस, कौन बच्चा बताएगा जो आवर एंड होती है वो कितने घंटे में उसी जगह वापस आ जाती है? यस यू आर राइट, 12 घंटे के बाद। मान लो बचे हुए अभी क्या 12, तो एक दो के बाद क्या बचेगा दोबारा से 12, मतलब 12 घंटे के बाद ये सुधार क्या जाएगी 12 पे। 12 घंटे में कवर किया कितना 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना कवर करेगी 360 by 12, आई गोट 30 डिग्री। क्लियर? मुझसे पूछा गया टाइम था 12 बजे, 12 बज गए, कितने बज गए 4 बज गए, तो इस दौरान आवर एंड ने कितना एरिया कवर किया, उसके लिए एंगल कितना होगा, कौन बताएगा? अगर 12 बज गए, 12 बजे से लेके 4 बजे तक की बात करें तो हमारा एंगल कितना होगा? एंगल, वेरी गुड वेरी गुड। टाइम अप होने वाला है, जल्दी बोलो, टाइम इज गोइंग टू बी अप, जल्दी फास्ट, टाइम नहीं है। यस यू आर राइट, कितना एंगल आ जाएगा, कितने घंटे हैं 4 घंटे, एक घंटा 30 डिग्री, इसका मतलब 4 घंटे मतलब 120 डिग्री। क्या सभी को क्लियर? सभी को? हाँ जी। पॉइंट नंबर 2, आवर एंड मिनट हैंड क्लियर। तो जो हमारी बाकी की रिवीजन है वो हम कल करेंगे, ठीक है? आपका आज का जो होमवर्क है, होमवर्क क्या है, 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, इसकी तुम्हें बना रखी है पीडीएफ, ये तो मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा 12.3 के पहले 5 क्वेश्चन कहां से करोगे, वीडियो से, आपको कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? आज का होमवर्क 10 क्वेश्चन, 12.2 के 5, 12.3 के 5, सारे फेयर में करने हैं। हाँ जी होमवर्क क्लियर। अभी मैंने अटेंडेंस ले लिए, सबसे पहले अपने अटेंडेंस सेंड करो। आई एम हिमांशु बंसल, आई एम प्रेजेंट इन द सेकंड क्लास, लिखो। आई एम प्रेजेंट इन द सेकंड मीटिंग, लिखो। कोई बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा, सेंड द अटेंडेंस, डोंट लीव, पहले अटेंडेंस सेंड करो। अटेंडेंस डन, भेज दी, अटेंडेंस डन, भेज दी। माय नेम इज दिस, आई एम प्रेजेंट इन द सेकंड क्लास, ओके। सेंड फीडबैक, सारे क्वेश्चन क्लियर सभी को, जितना भी मैंने पढ़ाया बोर्ड पे, सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर, सारे। यहां मत भेजो, पर्सनल नंबर पे सेंड करो, सेंड ऑन द नंबर। चलो थैंक यू वेरी मच, अटेंडेंस हो चुकी है, बाय, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा, बाय।